अब मैं जा रहा हूँ मैकडोनल्ड्स, क्योंकि मुझे वॉशरूम यूज़ करना है। ह्यूमन बींग्स के लिए फिर खाली पेपर है, उसी पेपर से साफ कर लेना, ठीक है? इतना सॉफ्ट तो मेरा इंडिया में कभी बेड था ही नहीं, जितने सॉफ्ट ये डॉग बेड्स हैं। अच्छा, आपको ना बड़ी एक फनी सी चीज़ बताता हूँ। सो अपेरेंटली यहाँ पे टीनेजर से थोड़ा दूर रहना पड़ता है। ये बच्चे मतलब या लॉज थोड़े कम स्ट्रिक्ट हैं या फिर कुछ इनका सीन है, मतलब मेरे पीछे बच्चे आ रहे हैं, मैं लिटरली भाग रहा हूँ उनके इनसे, क्योंकि अगर इन्होंने कुछ भी किया, मतलब लॉ में कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं है कि मुझे वो प्रोटेक्ट करें, मतलब ये कुछ भी छीना छपटी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, इनकी मर्जी, लिटरली कुछ भी कर सकते हैं। तो भाई, वर्ड ऑफ एडवाइस, थोड़ा ना इन टीनेजर्स बच्चों से दूर रहना। इनका लुक भी काफ़ी वैसा है, पता लग जाता है, मतलब जो लड़के होते हैं ना मोस्टली पफर जैकेट पहने होते हैं, ब्लैक पफर जैकेट पहनी होगी, और इनके ना ऐसे क्रू कट सा होगा, छोटे से साइड से फेड और ऊपर छोटे बाल, तो आपको देखते ही पता लग जाएगा कि वो बच्चे हैं। एंड लड़कियों का भी काफ़ी ईजी है रिकोगनाइज करना, आईलैशेस हैं, आईलैशेस काफ़ी एक्स्ट्रा वाली नहीं होती, वो आईलैशेस लगा के रखी होती हैं, थोड़ी लंबी सी, और एक टाइट सी पैंट्स पहनी होती है, तो आप पहचान लोगे यार कि यही बच्चे हैं, तो ध्यान रखना बस अपना, ठीक है? What's up guys, this is DBX on the beat, और ये है DBX's Vlogs, और आज है फ्राइडे। काफ़ी सरप्राइजिंगली बहुत अच्छा मौसम है बाहर, धूप निकली हुई है बढ़िया सी, और मेरे को अभी आयरलैंड में 3 दिन हो गए हैं, और मैं अभी बास्केटबॉल लेने जा रहा हूँ। मुझे बास्केटबॉल खेलने का बहुत शौक है, और साइड में ही बास्केटबॉल कोर्ट है, तो मैं एक बास्केटबॉल लूँगा, और देखते हैं शाम को और क्या होता है। मस्त लग रहा है यार, बढ़िया लग रहा है एकदम, काफ़ी अच्छे से अक्वेंट हो गया हूँ। रीज़न बिंग मेरी फैमिली ऑलरेडी यहाँ पे है, सो मुझे इतनी दिक्कत नहीं हो रही है, और मैं समझ सकता हूँ बाकी लोगों को बहुत दिक्कतें होती हैं, हर बंदा अकोमोडेशन ढूंढ रहा है, सबको कुछ ना कुछ इशूज़ चल ही रहे हैं। आई गेट दैट, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मुझसे डायरेक्टली बात कर लो इंस्टाग्राम पे DBX ऑन द बीट, वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर लो। बट प्रिटी कूल यार आयरलैंड अभी तक तो बहुत अच्छा लग रहा है, और ये शुरू के दिन है मेरे, मुझे खुद भी ज़्यादा नहीं पता, तो जितना मुझे पता है मैं अपने आप ऐसे ही बता देता हूँ। इस टाइम पे मेरे लिए प्रायोरिटी है बास्केटबॉल लेना, तो मैं वहीं निकल रहा हूँ। पीस आउट गाइस, दिस इज कैरिक माइंस, यहाँ पे काफ़ी सारे अच्छे स्टोर्स हैं, तो अभी मैं आपको सारे दिखाने वाला हूँ। भाई बहुत चलना पड़ता है यार यहाँ पे, सो फॉर अबाउट 1 किलोमीटर मैंने अभी 17 मिनट वॉक किया है, एंड अभी भी चल ही रहा है यार। बहुत सारे फैंसी स्टोर्स, अभी सारे दिखाऊंगा। सो दिस इज स्पोर्ट्स डायरेक्ट, मुझे बास्केटबॉल का सेक्शन ढूंढना है यहाँ पे, कहाँ पे है ना। इधर शूज ऐसे बहुत सही मिलते हैं, बहुत ही सही मिलते हैं, हर ब्रांड के मिल जाते हैं, थोड़े से दिखाता हूँ, चलो। नीचे तो कुछ भी नहीं मिला मुझे, यहाँ पे फुटबॉल ज़्यादा दिख रही है, मुझे लग नहीं रहा मुझे स्पोर्ट्स डायरेक्ट पे मिलेगा ना, यहाँ आउटडोर ये सब सामान है बट मेरे काम का नहीं है। यहाँ से तो मैं वापस आ गया, स्पोर्ट्स डायरेक्ट पे कुछ नहीं मिला मुझे। अब एक हैव्स पेनी गोल्फ है, उधर ट्राई कर सकता हूँ, बाकी आई गेस यहाँ पे TK मैक्स ही है, उसी पे देख के आना पड़ेगा लगता है, वहीं जाता हूँ। चलो ये रहा TK मैक्स दिख रहा है पीछे मेरे, वहीं चलते हैं। यहाँ पे ना कुत्तों का भाई बहुत सामान मिलता है, जानवरों से तो अलग ही लगाव है, वैसे तो मुझे भी बहुत प्यार है, बट यहाँ कुछ अलग ही लेवल है। सो ये है पेट स्टॉप पे ना सब कुछ ही मिल जाएगा, मतलब ये दुकान बाहर से ही इतनी खुशबू देती है ना डॉग्स की। चलो थोड़ी सी दिखाता हूँ, अंदर चलते हैं। तो समझ भी नहीं आ रहा ये क्या है, ये कुत्ते खाएंगे, कौन खाएगा, बहुत सारा सामान है, बहुत ही सारा सामान है। देखो इंडिया में इनका एक मिलता होगा, या एक उसी के मतलब 10 वैरायटी होंगे, तो ये फायदा है आयरलैंड का, यहाँ पे ना हर चीज की वैरायटी बहुत ही ज्यादा है, तो कोई चीज की कमी नहीं होने वाली, अगर आपको पता है ना एग्जैक्टली क्या चीज चाहिए तो उसके 100 ऑप्शन मिल जाएंगे। ये देखो लोग अपनी पॉटी ठीक से साफ नहीं करते हैं यार, टिश्यू पेपर का इतना कल्चर है, बट कैट लिटर पूरा है तो कैट लिटर सही है, बट इंसान लोग ह्यूमन बींग्स के लिए फिर खाली पेपर है,
उसी पेपर से साफ कर लेना, ठीक है। तो ये डॉग बेड्स हैं और इतने सॉफ्ट है ना, इतना सॉफ्ट तो मेरा इंडिया में कभी बेड था ही नहीं, जितने सॉफ्ट ये डॉग बेड्स हैं। अब मुझे एक और जगह मिली है, लाइफस्टाइल स्पोर्ट्स, तो देखते हैं मे बी बास्केटबॉल यहाँ मिल जाए। चलो लेट्स गो। यहाँ लग रहा है शायद मिल जाएगी, कपड़ों को छोड़ के स्पोर्ट्स का इक्विपमेंट भी काफी सारा पड़ा हुआ है। फुटबॉल ही है क्या भाई, सबको फुटबॉल खेलनी है, बास्केटबॉल नहीं। बास्केटबॉल, थैंक यू। नहीं है भाई बास्केटबॉल यहाँ भी नहीं है, लेट्स गो। अब स्पोर्ट्स डायरेक्ट लिख रखा है, सॉरी क्या लिख रखा है, लाइफस्टाइल स्पोर्ट्स लिख रखा है, बास्केटबॉल नहीं है भाई पूरी दुकान में। कम खेलते हैं क्या यहाँ बास्केटबॉल, मुझे तो लगा था इधर ज़्यादा खेलते हैं लोग, पता नहीं। बट चलो लेट्स गो टू टीके मैक्स एंड सी वहाँ पे होपफुली मिल जाए, वो सबसे बड़ा है बट जितना मुझे पता है वो थोड़ा एक्सपेंसिव भी है। सो ठीक है, लेट्स सी। आ गया आ गया। ओ बेटी ये तो बहुत बड़ा है, मेरे को तो लगा स्पोर्ट्स का इक्विपमेंट है, यहाँ तो कपड़े ज्यादा है। ये दुकान से ज्यादा पूरा मॉल ही है, एक ही दुकान में पूरा मॉल हो गया। मुझे ये यहाँ का सबका बाजार जैसा लग रहा है, तो चाइना बाजार नहीं होता था उतना, वैसे ही सामान पड़ा हुआ है बट कुछ खास सस्ता नहीं है भाई, मतलब सब कुछ 20-30 यूरो कुछ ऐसा ही रेट्स है। तो सबका बाजार में भी आपको कुछ खास सस्ता मिलने नहीं वाला, कुछ नहीं मिला यहाँ भी, यहाँ से निकल रहा हूँ मैं। तो अब जो बॉल तो नहीं लग रहा आज मुझे मिलेगी बास्केटबॉल, तो अब क्या करते हैं, मेरे को ना कुछ टॉयलेट की फिटिंग लेनी है जो मुझे खुद ही इंस्टॉल करनी पड़ेगी, उसको लेने चलते हैं। बेसिकली एक मेरे को होस पाइप इंस्टॉल करनी है वॉशरूम में, वह होती नहीं ना भाई यहाँ पे, तो खुद ही लगानी पड़ती है, ठीक है। उसी को लेने जा रहा हूँ हार्डवेयर स्टोर में, दिखाता हूँ अभी वहाँ क्या सीन है। तो अभी हम वुडीज जाएंगे, यहाँ पे सारे हार्डवेयर एंड बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, तो घर का रेनोवेशन है और वो सब यहीं पे होता है, मतलब सामान यहीं मिलता है यार। चलो अंदर चलते हैं। फूल पत्ते बिल्कुल बहुत बढ़िया यार, बहुत ज़्यादा बढ़िया है, मतलब ये तो सबका बाजार से भी ज़्यादा बड़ा है भाई, मेरे को जो लेना है यहाँ मिल जाएगा। देखते हैं चलो लेट्स सी। तो सामने प्लम्बिंग सेक्शन है, वो देखो ऊपर लिखा हुआ दिख रहा है, वहीं जाना है। पाइप तो मिल गई है भाई, चार हेड्स एंड पाइप, यही पाइप है भाई, ये जो इंडिया में 250 रुपए की पाइप है यहाँ 20 यूरो की है, तो 1800-2000 रुपए की पाइप, बट इस यार ठीक है, पाइप का हेड भी मिल गया, चार हेड मिल गया। अब जो मुझे चाहिए उसको बोलते हैं टी, क्योंकि जब पानी जहाँ जिस पाइप पे मैं लगाने वाला हूँ वो डाइवर्ट होगा, तो उस पर टी लगाऊंगा मैं। टी बेसिकली एक इनलेट दो आउटलेट, टी ओ अभी टी ढूंढते हैं। ये टी लग तो रहा है, मुझे खुद नहीं पता यार ये काम करेगा कि नहीं, लगा के देखता हूँ जरा पाइप के ऊपर ये लगता है कि नहीं। काफ़ी सामान देख लिया है, मतलब प्लम्बिंग का भाई इतना सारा, बट कुछ भी समझ नहीं आया मुझे तो एग्जैक्टली लेना क्या है, मैं तो घर जा रहा हूँ, बाद में एक बार ना घर पर जाके फिटिंग्स को चेक करूँगा, उनका डायमेंशन लूँगा और फिर आऊँगा, तभी समझ आएगा एग्जैक्टली लेना क्या है। अभी तो नहीं ले रहा भाई, इतना भी कोई मैं वो नहीं हूँ प्लम्बर कारपेंटर नहीं हूँ कि एक ही बार में फिगर आउट कर लूँ लेना क्या है, मैं तो घर जा रहा हूँ। तो अब मैं फाइनली बाहर आ गया हूँ, ना मुझे आज बास्केटबॉल मिली, ना मुझे वो जो बाथरूम की फिटिंग लेनी थी वो समझ आई, मिल तो गई थी फिटिंग बट समझ नहीं आई। अब मैं जा रहा हूँ मैकडोनल्ड्स, क्योंकि मुझे वॉशरूम यूज़ करना है। चलो शॉपिंग हुई ख़त्म, मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। पूरा शॉपिंग में मैंने कुछ लिया नहीं,
और यहाँ ठंड भी बढ़ गई है, मुझे रास्ता समझ क्यों नहीं आ रहा मैं किस साइड से आया था, मैं किस साइड से आया था। आगे से ही आया हूँ मैं, चलो फिगर आउट करता हूँ। चलो ठीक है, आज और कुछ इंटरेस्टिंग होगा तो शूट करते हैं उसे भी। तो अब मैं आ गया हूँ घर, काफ़ी हेक्टिक हो गया इतना चलना, अभी आदत पड़ रही है, इतनी आदत है नहीं वैसे, किलोमीटर वाइज तो 2 किलोमीटर ही था, बट 20 मिनट लग गए यार आने, 20 मिनट एक साइड 20 मिनट वापस। तो सही है, यहाँ पे चलना तो बहुत पड़ेगा, और सारी चीज़ों के लिए, अमेनिटीज़ के लिए चलना तो बहुत ही ज़्यादा पड़ेगा, बट ठीक है यार, फिट रहोगे इससे बढ़िया क्या हो सकता है, खुद फिट रहना, मतलब फिट रहने से बढ़िया और हो भी क्या सकता है भाई। यहाँ पे तो मतलब सब लोग प्रमोट कर रहे हैं फिटनेस, मतलब ये चीज़ ना काफ़ी काफ़ी अच्छी है यहाँ पे, जो इंडिया में है ही नहीं। फिटनेस को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, हर बंदा अपने फिटनेस के लिए ना कुछ कर ही रहा होता है, मतलब यहाँ मोटे और आलसी लोग ना आपको बहुत ही कम दिखेंगे, तो अगर आप मोटे और आलसी हो ना तो आयरलैंड में ना बड़ी दिक्कत होने वाली है, एक्चुअली एज अ मैटर ऑफ फैक्ट किसी भी यूरोपियन कंट्री में दिक्कत होने ही वाली है, क्योंकि लोग चलना फिरना बहुत पसंद करते हैं। तो ये था आज का वीलॉग, दिस इज DBX ऑन द बीट, पीस आउट।